हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जो आप लोग मास्टर स्ट्रोक एप्लीकेशन जैसे यूज करते हैं तो उसमें पता होगा आप लोगों को चार कैटेगरी होता है। चार कैटेगरी में जैसे होता है, आप लोग पहले आईडी बनवाते हो तो पहला कैटेगरी होता है जो आप उसका मेंबर बनते हैं, और आप लोगों के 5000 पॉइंट जैसे ही पूरा होता है तो 5000 पॉइंट पूरा होने के बाद आप लोग ब्लू प्लस कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, और 16000 पॉइंट पूरा होने के बाद आप लोग सिल्वर कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, और 16000 पॉइंट पूरा होने के बाद जैसे आप लोगों का 40000 पॉइंट पूरा होगा तो आप लोग गोल्ड कॉन्ट्रैक्टर बन जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये चारों कैटेगरी में आप लोगों को कौन से कैटेगरी में ज्यादा पॉइंट मिलता है, जैसे एक कैटेगरी मान के चलो गोल्ड का है, सिल्वर का है, ब्लू प्लस का है, तो आप लोगों को बता दी एक मेंबर का है। तो बाल्टी, जैसे हमने एक बाल्टी खरीदे 20 लीटर की कोई मटेरियल, ठीक है दोस्तों, चाहे 1 लीटर की आप मान लो, तो 1 लीटर में गोल्डन को कितना मिलता है जो गोल्ड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, और सिल्वर को कितना मिलता है, और ब्लू प्लस कॉन्ट्रैक्टर को कितना पॉइंट मिलता है, क्योंकि बाल्टी तो सेम ही है लेकिन जितने कैटेगरी है उस हिसाब से अलग अलग पॉइंट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यही आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। दूसरा ये बताएंगे दोस्तों, जो एशियन पेंट में सबसे ज्यादा पॉइंट कौन सी मटेरियल में मिलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे डिको में मिलता है, या एमल्सन में मिलता है, या प्यू पॉलिश में मिलता है, तो प्यू पॉलिश में भी मिलता है, तो कौन सी में मिलता है सबसे ज्यादा पॉइंट, ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहना, कहीं से भी स्किप नहीं करना। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मोबाइल स्क्रीन साइड में लगा देता हूं, देख सकते हो, और उसके बाद अब आप लोगों को मास्टर स्ट्रोक एप्लीकेशन ओपन करना है। तो जैसे देख सकते हो, हम मास्टर स्ट्रोक एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस दिखाई देगा आप लोगों को। तो सबसे पहले स्कीम वाले ऑप्शन पे आप लोगों को जाना है, ये देख सकते हो। तो हम स्कीम पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो भी स्कीम चलता होगा वो दिखाई दे देंगे, और आप लोगों को इसी से पॉइंट का भी पता चलेगा जो कौन सी कॉन्ट्रैक्टर को कौन कितने पॉइंट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब आप लोगों को ये चीज दिखा देते हैं। ये देख सकते हो, यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, ब्लू प्लस और मेंबर चारों लिखा हुआ है। आप लोग लाइन से देख सकते हो जो इस साइड में है, यहाँ पे आप लोगों को इस साइड में गोल्ड का पॉइंट दिखाई देगा, यहाँ पे सिल्वर का, और यहाँ पे ब्लू प्लस का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई नहीं देता है तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जाने के बाद अभी आप लोगों को ये हाईलाइट करके दिखा देते हैं। ये देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे सभी का पॉइंट मिल जाता है देखने को आपको। ठीक है दोस्तों, तो हमने आप लोगों को बताए थे जो इसके गोल्डन को कितना पॉइंट मिलता है और सिल्वर को कितना पॉइंट मिलता है, तो वो चीज यहीं पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। दोस्तों जैसे देख सकते हो, मेंबर के लिए वैसे 10 पॉइंट मिलता है यहाँ पे, तो मेंबर के लिए 10 पॉइंट मिलता है, तो और जो ब्लू प्लस कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी 10 पॉइंट ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, और फर्क कहाँ पे है तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो जैसे सिल्वर है तो सिल्वर को 10 की जगह 12 पॉइंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और गोल्ड कॉन्ट्रैक्टर को 12 की जगह 14 पॉइंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना का फर्क हो गया। जैसे आपको नॉर्मली आप ब्लू प्लस कॉन्ट्रैक्टर हो या मेंबर बने हो तो 10 पॉइंट मिलता है, तो गोल्ड कॉन्ट्रैक्टर जाते जाते गोल्ड कॉन्ट्रैक्टर अगर आप लोग बन जाते हो तो उसका 14 पॉइंट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से समझ सकते हो आप लोग जो आप लोगों का कितना ज्यादा पॉइंट बनने वाला है गोल्ड कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद। सिल्वर में भी है, कुछ ना कुछ फालतू पॉइंट मिलता है सिल्वर कॉन्ट्रैक्टर को भी, लेकिन गोल्ड कॉन्ट्रैक्टर को कुछ ज्यादा ही पॉइंट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कुछ इसका दिया हुआ। जितने भी आप मटेरियल लगाते हो एशियन पेंट में, जैसे प्रीमियम, एमल्सन, एमल्सन में चाहे जितना भी हो गया, जैसे प्यू पैलेट हो गया एशियन का जो डिको में आता है, चाहे आप लोगों को हो गया प्यू पॉलिश, ठीक है दोस्तों, जैसे इम्पोरियो में आता है अलग अलग क्वालिटी, तो इस तरह से जितने भी लगाओगे तो उस तरह से आप लोगों को सभी का पॉइंट ज्यादा करके मिलेगा अगर आप लोग गोल्डन कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हो तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात रही जो आप लोगों को दूसरे में जो सबसे ज्यादा पॉइंट किस में मिलता है, ठीक है दोस्तों, तो वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। जो सबसे ज्यादा पॉइंट जो आप लोगों को मिलता है वो मिलता है आप लोगों को इम्पोरियो का, जो प्यू पॉलिश आप लोग करते हो उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट मिलता है। मतलब पॉइंट कितना मिलता है, तो अगर 20 लीटर का आप लोग ड्राम लेते हो एक मान के चलो प्यू पॉलिश का, चाहे वो सिलर हो गया, रेगल का ले लो सिलर, मतलब प्यू का हार्डनर है, तो प्यू के हार्डनर भी 20 लीटर का है तो 5000 पॉइंट हार्डनर का भी मिलेगा और 5000 पॉइंट पीयू का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सिलर में जैसे सिलर में 5000 पॉइंट 20 लीटर का मिलेगा सिलर का, तो हार्डनर उसमें 10 लीटर ही आता है, मतलब 20 लीटर की ड्राम में 10 लीटर हार्डनर, मतलब जितना 1 लीटर है तो आधा लीटर हार्डनर डलता है। ठीक है दोस्तों,
तो उसका पॉइंट कम हो जाता है। जैसे अगर 5000 पॉइंट मिल रहा है 20 लीटर का सीलर का, तो उसका हार्डनर का जो पॉइंट है वो 2500 ही पॉइंट मिलेगा आप लोगों को, 2500 से 3000 के बीच में ही मिलता है। वैसे आप लोगों को हम एग्जांपल के लिए दिए, जो 2500 पॉइंट तो बनता ही है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोगों को सबसे ज्यादा पॉइंट इसी में है। इम्पोरियो का पीयू का मटेरियल जो आप लोग नहीं लगाते हो तो पीयू का मटेरियल लगाओ आप लोग, उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट बनता है। और उसमें आप लोगों को जैसे 3-4 बाल्टी लगा लिए तो आप लोग गोल्ड कॉन्ट्रैक्टर बन जाओगे, ठीक है दोस्तों। मतलब मान के चलो 8-8000 पॉइंट भी आ गया ना सीलर की, तो 8×5=40, मतलब 5 ड्राम आप लोग सीलर की लगा लोगे तो आप लोग गोल्ड कॉन्ट्रैक्टर बन जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो यही कि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, यही जानकारी देंगे, तो सो जानकारी हमने आप लोगों को दे दी है दोस्तों। ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप बताना, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।